जब कदरवन लगी थी तभी मुझे नहीं पता था तब मैं कैसे बता सकता उस वक्त भी हमने पिक्चर की थी बस सच्चाई के साथ और पूरी लगन के साथ बात में जैसे कहा गया जैसे मैं कहता हूँ हमेशा लोगों ने उसे गदर बना दिया उनके दिल को छू गई बस यही उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के साथ भी वो क्या बात है सिमरन सिंह डीएनएस से पूछती हैं अनिल जी आपके लिए है कि कॉन्सेप्चुअल जो आपने एक सोचा होगा कॉन्सेप्ट होता है चीज़ का पहले और टू में क्या डिफरेंस है पहले जो है वो इनकी कथा है इनिशियल डेज की कथा तारा की सकीना की और सेकंड उनके परिवार की और सेकंड जो कहानी है इनके आगे की इनके 20 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या घटा तो ये एक तारा सकीना के परिवार की कहानी है जो इनकी ज़िंदगी में तारा सिंह की ज़िंदगी में पहले क्या घटा और बाद में तारा सिंह और सकीना की ज़िंदगी में बाद में क्या घटा तो एक पारिवारिक कथा है जो कि आगे बढ़ती चली जा रही है समझे ना जैसे हम महाभारत की बात करें रामायण की बात करें तो वो कथा कंटिन्यूस चलती है हम गेम्स ऑफ थ्रोन की बात करें तो कथा कंटिन्यूस चलती है ऐसे ये कथा भी कंटिन्यूस चली है गॉडफादर की बात करें तो कथा चलती चली जाती है उन किरदारों की तो उन किरदारों की कथा है और क्योंकि वो किरदार लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं इसलिए लोग उनसे बहुत कनेक्ट करते हैं और उनके हंसने बोलने रोने में हर तरह से उनके साथ जुड़ जाते हैं सुमित ने कहा है कि जिस तरह से पहली गदर वन प्रेम कथा थी तो गदर टू क्या है गदर टू भी पारिवारिक के प्रेम परिवार के प्रेम की कथा है वो पहले तारा सकीना की कथा थी अभी परिवार के प्रेम की कथा है किंजल शाह अहमदाबाद मिरर से भेजा है उन्होंने कि सनी देओल से पूछना चाहती हैं कि जो अधिकतर लोग जो पहले फिल्म देख चुके हैं और इस फिल्म में वो कौन कौन से मोमेंट आने वाले हैं जब भारत देश प्राउड महसूस करेगा क्या क्या होने वाला है देखिए फिल्म मुकम्मल एक होती है जिससे देख कर आदमी पूरा वो जोश के साथ निकलता है बाहर कोई एक चीज़ नहीं होती पूरे कैरेक्टर्स होते हैं जो इसे लेकर जाते हैं और हादसे ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान लड़ता है और फिर फतेह पाता है तो उसके बाद एक बात बनती है तो गदर में भी हमारे टू में भी वैसा ही है एंड में जाकर जिस तरह से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है तो मुझे पूरा यकीन है लोगों को बहुत पसंद आएगी क्या बात है उत्कर्ष शर्मा आपके लिए क्वेश्चन है किंजल शाह का ही है उन्होंने कहा कि आपके जीवन की शुरुआत की करियर की शुरुआत ये फिल्म है अगर आप अपने जीवन में कौन सी दो चीज़ें ऐसी जो सीखी हैं करियर की शुरुआत में ये फिल्म करने के बाद सनी भाई और अनिल जी के साथ वो क्या क्या चीज़ें दो चीज़ें वेल सनी सर के साथ जो एक चीज़ सीखी है कि जब आप स्क्रीन जब आप कैमरा के सामने उनके साथ होते हैं तो आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि अपने आप आदमी को अगर डर फील करना है तो डर फील कर लेता है लव फील करना है तो लव फील कर लेता है उनकी आंखों में देखिए आपको सब महसूस हो जाता है क्या बात इट इज दैट इज द सेम थिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकंड ओके संपिता एवीपी डिजिटल से भेजी है सनी देओल के लिए क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कहा कि ओटीटी का जमाना चल रहा है फिल्में रिलीज हो रही हैं और इतनी सारी फिल्में आती हैं लेकिन ये लोगों के दिलों में गदर वन दिलों में छाई हुई थी और अब जो आ रही गदर टू लोगों ने आज ट्रेलर देखा है टीजर पहले देख चुके हैं तो ये जो पूरा इम्पैक्ट बनता है सनी देओल की फिल्म से ही क्यों ऐसा लगता है कि यार ये हिंदुस्तान के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है मेरे करके नहीं होता ये कैरेक्टर्स होते हैं जो हम प्ले करते हैं जैसे तारा सिंह जो है मेरे को लगता है तारा सिंह एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जहाँ भी किसी को कुछ भी करना हो वो हमेशा तारा को देखता है क्योंकि तारा की एक सिंप्लिसिटी है तारा की एक प्यार है अपनी फैमिली के लिए परिवार के लिए और उसकी जो ताकत है जब कुछ भी आँच आ जाए परिवार के ऊपर तो फिर कोई चीज़ छोड़ता नहीं सब फाड़ देता है जो हर आदमी चाहता है बॉलीवुड बबल से रशिता शाहनी बोलती हैं कि गदर वन ने तो बॉक्स ऑफिस पर तोड़ फोड़ कर दिया था जबकि शुरुआती तौर पर जैसे उन्होंने कहा गदर को दूसरा नाम दिया गया था हमेशा ने कुछ समय पहले बताया तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से गदर देखिए आप मुझसे वही सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार मैं मेरा यही हमेशा कहना होता है कि गदर जो बनी थी लोगों ने गदर बनाई मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि इससे भी वो गदर बनाए और पूरी उम्मीद है कि बन जाएगी बाकी 11 तारीख को देखेंगे जिस तरह से लेकिन जो एम्बियंस है जिस तरह से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं मुझे लगता है वो ज़रूर उनको छुएगी बिकॉज ऑलरेडी क्लिप्स आ चुके हैं जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं हमारे गाने हमारे इमोशंस
जो चीज़ें आ रही हैं, मिथुन ने म्यूज़िक इतना अच्छा दिया है, और भी गाने हैं जो बहुत बहुत ही अच्छे गाने हैं जो आगे आगे आके आप सुनेंगे। बिकॉज पिक्चर की ताकत हमेशा सिर्फ एक नहीं होती लेकिन पूरी कहानी होती है, इमोशंस होते हैं, तो उसके साथ म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मेरे ख्याल से म्यूज़िक की वजह से पूरी चीज़ें जुड़ जाती हैं। भाई लिख के दे दो मुझे यार, मैं सब पढ़ रहा हूँ इन लोगों के। ओके पूछिए 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 हाँ जी पूछिए। देखिए बात कुछ ले जाने की या लेने की और देने की बात नहीं होती, बात होती है कि एक इंसानियत की होती है, ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ इतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफ़रतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़े या लड़े, बिकॉज आखिर है तो सब इसी मिट्टी से।